इतनी आसानी से थोड़ी ना हारेंगे भैया, हम गुजरात वाले हैं। अरे तुम गुजरात वाले हो चाहे कहीं भी वाले हो, हम मुंबई वाले हैं। मुंबई वाले हम हराते हैं सबको बहुत ही तगड़ी तरीके से। तेरी जबान बहुत चलती है सूर्या, हाथ ज्यादा चलता। मुझसे हाथ मिला ले, गद्दार से दोस्ती नहीं करता। मारा जाएगा, सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते। अब निकल यहाँ से। मेरा नाम है भैया सूर्या। अरे तू सूर्या होगा अपने उधर का, मैं हूँ राशिद अफगान का। मेरे उधर गाना चलता है अफगान जलेबी माशूक फरेबी। अरे हाँ भाई, थर्ड एम्पायर वालों तुम बताओ भैया कौन सी टीम बहुत ही ज्यादा मजबूत है। भैया मुंबई वाले कल मैच जीते तो वही मजबूत होगी, ऐसा कैसे भैया गुजरात नंबर वन पे चल रही थी, गुजरात मजबूत होगी। अरे चलो कोई बात नहीं, कोई भी टीम मजबूत हो या कोई भी कमजोर हो, लेकिन कल का मुकाबला बहुत ही जोरदार हुआ है। आखिर कल के मुकाबले में हुआ क्या, यही तो हमें जानना है। आइए देखते हैं, बैठचन मजा आएगा। मुंबई की बल्लेबाजी हमेशा की तरह रोहित और किशन से शुरू हुई। रोहित शर्मा भैया बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, वो स्ट्रगल कल भी हमको दिखाई दे रहा था। बहुत दिन से स्ट्रगल कर रहे हैं, पता नहीं भाई लोग कब इनका स्ट्रगल पूरा होगा और इनके फैन कहेंगे भैया रोहित तू ही शर्मा जी का लौंडा है। ईशान किशन भी भैया रोहित शर्मा के साथ रह रहे गए ना, बिल्कुल रोहित की तरह ही हो गए, मतलब भैया संगत का असर आ गया। अरे यार किशन भाई छोड़ दो साथ, और किसी का साथ पकड़ लो। नहीं लेकिन कुछ भी कहो भैया, मुंबई की जो शुरुआत थी वो काफी अच्छी थी भैया। 6 ओवर में 60 रन के आसपास रोहित और किशन ने बनाए थे। अबे ओ गधेड़ा उठा के बाल्टी मारेगा, क्या कर रहा है, सही से खेल। अबे मैं गधेड़ा नहीं, मैं वधेड़ा हूँ। अबे हाँ तू गधेड़ा हो या वधेड़ा हो, ठीक से खेल ले। अरे ठीक से क्या खेल रू यार, ये बंदा मुझे ठीक से खेलने नहीं दे रहा। कौन है जो तुझे ठीक से नहीं खेलने दे रहा, जिसने किशन और रोहित को ठीक से खेलने नहीं दिया और उसको पवेलियन पहुंचा दिया। मुझे लग रहा है ये बंदा भी मुझे गधेड़ा बनाकर ही रहेगा। ठीक कहा भाई, तू तो गधेड़ा बनेगा, लेकिन देख खेलते कैसे हैं मैं बताता हूँ। मैं हूँ सूर्या जो भाई जलता नहीं जलाता है। उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। भैया सूर्या बहुत ही दिल का अच्छा इंसान है। कल भैया इसने लास्ट बॉल पर सिक्स मार के अपना शतक तो पूरा कर लिया, साथ साथ में भैया समी और जोसफ का भी 50 करवा दी। बहुत ही ज्यादा भैया सूर्या ने पुण्य का काम किया है, समी और जोसफ की 50 करवा कर। ओ भाई कुछ कह रहे हो, मरना जा रहे हो मारा भोसड़ी के। सूर्य तेरे को ऊपर वाला बहुत ही दुआ देगा और तू ऐसा ही खेलता रहेगा। और वो कहाँ गए वो लोग, हाँ हाँ भाई वो लोग कहाँ गए, और कहाँ गए भाई वो लोग, हाँ भाई वो लोग जो सूर्य कुमार को कुछ टाइम पहले शून्य कुमार कहा करते थे। आज देख लिया ना, सूर्य कुमार बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है। मुंबई वालों ने भाई एक काम और भी बहुत ही अच्छा किया कि भैया रॉयल ग्रीन को, अरे यार मतलब कि कैमरून ग्रीन को काफ़ी नीचे बैटिंग करा रहे हैं, क्या हो गया, लगता है कैमरून ग्रीन से बहुत ही ज़्यादा नाराज है। इसी की बदौलत भैया मुंबई वाले काफ़ी अच्छा स्कोर बना भी रहे हैं। मुंबई ने कल के मैच में बनाए भाई 218 रन 20 ओवर में। लग नहीं रहा था भैया कि यहां तक पहुंच जाएगी, क्योंकि भैया स्टार्टिंग पारी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन हमारे सूर्य भैया कमाल करते हुए कल के मैच में दिखाई दिए। सूर्य की बदौलत 218 का स्कोर गुजरात पर पड़ने वाला था बहुत ही ज्यादा भारी। गुजरात खिलाड़ी पिछला मैच जीत कर ना बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस में लग रहे थे, लेकिन भैया 2-4-6 ये क्या है, 2-4-6 ये भैया आंकड़ा है। शाह ने बनाए 2 रन, हार्दिक ने बनाए 4 रन और सुमन गिल ने बनाए 6 रन। शाह से तो भैया हमें यही उम्मीद थी, एक मैच में मारते हैं अगले मैच में फुस हो जाते हैं। हार्दिक भाई पिछला मैच अपने भाई को हरा रहे, मतलब अपने भाई से गद्दारी कर रहे हैं, अपने भाई से दुश्मनी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरे से मेल मिलाप ऐसा क्यों कर रहे हो हार्दिक भाई। शुभमन गिल भाई हर मैच में अच्छा कर रहे थे, हर मैच में तगड़ा मार रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने कहा हर मैच में मैं चूतिया बनूंगा, क्या मैं मारूंगा हर मैच में मैं मारूंगा, तो भैया काम ऐसा चलेगा नहीं, इस मैच में मैं नहीं मार रहा हूं। तो भैया शुभमन गिल ने नहीं मारा, मतलब शुभमन गिल ने नहीं पेला तो गुजरात नहीं खेला। विजय शंकर भी शंकर की बदौलत भैया थोड़ा सा अच्छा खेलते हुए दिखाई दे, लेकिन भैया मिलर ने बहुत ही अच्छा कमाल किया अपनी टीम के लिए।
शाबाश बेटा। जहां गुजरात वालों की भैया नैया डूबती हुई नजर आ रही थी, वहीं मिलर ने आके इनकी नैया को थोड़ा सा पार लगाया था, लेकिन अभी नैया भैया बिल्कुल पार नहीं लगी थी। अभी तो करिश्मा देखना बाकी था, किसका? अफगान का। मतलब भैया अफगान जलेबी तो अभी मैदान पे आना बाकी थी। भाई राशिद खान ने कल ऐसा पान अपनी माशूका के हाथ से खा लिया था। कह रहे थे राशिद खान भैया हम हैं अफगान, इसीलिए हमारे नाम के पीछे लगता है खान और हम मचाते हैं तूफान। आखिरकार भैया यही हुआ, राशिद खान ने 4 विकेट लिए और साथ ही साथ भैया 79 रन मारे हैं। यार चमत्कार चमत्कार, क्या कमाल की बल्लेबाजी करी है भाई इस खिलाड़ी ने। इस खिलाड़ी से सीखना चाहिए। सीख भाई शाह, कब सीखेगा तू भी यार हार्दिक, तू भी सीख ले इस खिलाड़ी से। अरे ओ भैया मनोहर, मुंह का है छुपा रहे, सीख लो, सीखने में कोई बुराई है क्या? तेवतिया भैया तुम भी सीख लो भैया, हर बार तुम्हें लास्ट के 3 ओवर थोड़ी ना मिलेंगे मैच जिताने के लिए, कभी कभी भैया 13 ओवर भी मिलते हैं मैच में कुछ कमाल करने के लिए। तो भैया 3 ओवर छोड़ो, 13 ओवर वाली गेम भी सीखो, सीखो इनसे कुछ। जहां लग रहा था कि भैया आज गुजरात 100 रन से हारने वाली है, गुजरात की तो फटने वाली है अच्छी तरीके से, वहीं भैया राशिद खान ने मलहम पट्टी लगाकर 27 रन से अपनी टीम को मैच हारने दिया। ऐसी ऐसी जगह मारा है जहां मारते हुए आदमी को शर्म आए, ए बाप पूरे बदन के नट बोल्ट ढीले कर दिए। मतलब बहुत ही बढ़िया राशिद खान कल के मैच में खेले हैं और मुंबई ने बहुत से खिलाड़ियों को पेले हैं कल के मैच में। भैया एक तरह से सूर्या ने बोलरों की इज्जत लूटी, तो एक तरह से भैया राशिद खान ने भी ये कसर छोड़ी नहीं, उन्होंने भी एक तरफ से बॉलरों की सही से मार ली है। गेंदबाजी में भैया बहुत ही लोगों की कल धुलाई हुई है, लोगों की बहुत ही सूजी पड़ी है, तो भैया लोग बोल रहे हैं सूजी आए तो सूजी है, समी की भी सूजी है, जोसफ की भी सूजी है और से बहुत खिलाड़ियों की सूजी हुई है। तो भैया इसी तरह सबकी सूझती रही क्योंकि IPL के मुकाबले बहुत ही कम बचे हैं यार। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक सब्सक्राइब कर दो और बचे हुए मैच हमारे साथ इंजॉय करो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।